अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे सब्लाइम टेक्स्ट में सीपीपी फास्ट ओलंपिक कोडिंग नाम का एक प्लगइन है, उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। वो बहुत ही हेल्पफुल होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। वो एक्चुअली हेल्प करता है तुम्हें जितने भी टेस्ट केसेस होते हैं उन्हें मैनेज करने में। तो वो आगे चल के मैं बताऊँगा कैसे करता है, बट सबसे पहले हम लोग सेटअप करते हैं अपना सिस्टम को। तो सबसे पहले सर्च करेंगे हम लोग सब्लाइम टेक्स्ट, फिर पहला जो वेबसाइट आ रहा है सबलाइम टेक्स्ट डॉट कॉम, उसको खोलना। यहाँ से सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड होने के बाद इसको खोलना, फिर पॉपअप आएगा उसमें यस सेलेक्ट कर लेना। देन बेसिक सा इंस्टॉलेशन है इसका, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अगर तुम्हारा ये एक्सप्लोरर मेन्यू वाला नहीं होगा क्लिक, तो उस पर क्लिक कर देना क्योंकि वो काम आता है। मैं बताऊंगा आगे चलकर क्यों आता है। उसके बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हमें MinGW C++ कंपाइलर इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए गूगल करना फिर से MinGW, पहली वेबसाइट आई, यहाँ पर जाना डाउनलोड सेक्शन में। डाउनलोड सेक्शन में ये जो आ रहा है ना MinGW का गेट सेटअप, इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। बहुत छोटी सी फाइल है ये। तो उसके बाद जब ये हो जाए तो फिर इसको इंस्टॉल कर लेना। जो डिफ़ॉल्ट जितने भी सेटिंग्स हैं वो सारे वैसे रहने देना, कंटिन्यू कर देना। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, जब ये हो जाएगा तो फिर बताऊँगा आगे। हाँ, तो जब ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा कि कंप्लीटेड, देन फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना। देन ये तुम्हारी स्क्रीन खुल जाएगी, इसमें सारे को सेलेक्ट कर लेना। बेसिक सेटअप है तो इसमें सबको सेलेक्ट कर लेना, वो कभी ना कभी काम आ ही जाएंगे तुम्हें। फिर इस तरह से सबको मार्क कर लिया। ये ADA और फोर्ट्रेन वाला मे भी काम ना आए, बट फिर भी कर लेना, डिफ़ॉल्ट ये बेसिक सेटअप तो रहना ही चाहिए। देन फिर ये करने के बाद इंस्टॉलेशन में जाना, देन अप्लाई कैटलॉग कर देना, फिर रिव्यू चेंजेस कर देना। तो ये तुम्हारे इंस्टॉल करना स्टार्ट करेगा, बट अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल करना स्टार्ट करेगा। ये सारे जो कंपाइलर्स है कंपाइलर्स को तुम्हारे सिस्टम में ला देगा। एंड अभी ये काफ़ी टाइम लेगा, अराउंड 100-200 MB एट मैक्स लेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं लेना चाहिए आई गेस। तो उतना डेटा भी देखना कि उतना डेटा होना चाहिए तुम्हारे पास। और वो जब हो जाएगा उसके बाद फिर अभी मैं पॉज करता हूँ, उसके बाद फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। सो जब वो डाउनलोडिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन ये ऐसे इंस्टॉलेशन वाला पार्ट खुलेगा जिसमें एक्सट्रैक्टर इंस्टॉल कर रहा होगा। तो इसको भी हो जाने दो, फिर मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। फिर हाँ, तो फिर जब सारे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी देन फिर क्लोज कर देना इसको। तो ये 1-2 सेकंड का काम है, देन फिर इसको क्लोज कर देना। उसके बाद फिर तुम इसमें सर्च में जा करके खोलना सबलाइम। सबलाइम खुलने के बाद फिर क्या करना, तुम कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करना कीबोर्ड पे, फिर यहाँ लिखना इंस्टॉल, तो आएगा इंस्टॉल पैकेज कंट्रोल, इस पे एंटर मारना। तो फिर पैकेज कंट्रोल इंस्टॉल हो जाएगा। और वो जैसे मतलब पैकेज कंट्रोलर हमें हेल्प करता है नए नए प्लगइन्स इंस्टॉल करने से। तो जब ये हो जाएगा तो ये पॉपअप आया, देन मैंने ओके किया, देन फिर वापस से मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट पी, उसके बाद फिर से लिखा इंस्टॉल। तो इंस्टॉल लिखने पर आएगा पैकेज कंट्रोल कोलन इंस्टॉल पैकेज। अब इसी पे एंटर करना, एंटर प्रेस करना ही नहीं। फिर रिपॉजिटरीज लोड कर रहा होगा, यहाँ पे नीचे में दिख रहे हैं ऐसे सारे प्रोसेसेस।
फिर यहाँ पर सारे प्लगइन्स लिस्टेड रहेंगे, वो तुम एक्सप्लोर करना क्या सारे प्लगइन्स क्या क्या करते हैं। मैं बताता हूँ मेन वाली, वो है CPP फास्ट ओलंपिक कोडिंग। फिर इस पर एंटर मारना तो नीचे में लिखा हुआ आ रहा है ना, इंस्टॉलिंग पैकेज CPP फास्ट ओलंपिक कोडिंग। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं बताता हूँ आगे क्या करना। तो जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा फास्ट ओलंपिक कोडिंग सेटिंग्स इनेबल्ड अपडेट जो भी था। अभी क्या करना है कि मतलब तुम्हारे में फास्ट ओलंपिक कोडिंग सेटअप हो चुकी है, अभी एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल क्रिएट कर, एक बग आता है, वो बग मैं बता देता हूँ, ये जनरली सारे विंडोज़ यूज़र को फेस करना पड़ेगा। तो मैं डेस्कटॉप पे एक फाइल बना रहा हूँ test.cpp करके, एंड एक बेसिक सा कोड लिख लेता हूँ। ये जनरली सारे जितने भी हमारे हेडर्स होते हैं उन सबको इंक्लूड कर देता है। उसके बाद फिर ये बेसिकली कुछ नहीं होगा, ये एक नंबर इनपुट लेगा जो कि एक इंटीजर होगा। तो नंबर डिक्लेयर किया, इनपुट लिया, देन प्रिंट कर देगा वो नंबर +1, ठीक है। एंड लास्ट में रिटर्न 0, क्योंकि ये हमारा इंटीजर फंक्शन है। अभी इसको सेव करा तो सेव कर देते कंट्रोल एस से, देन फिर कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट बी, बी प्रेस, कंट्रोल ऑल्ट बी प्रेस किया तो आ रहा है G++ नॉट रिकोगनाइज एज एन इंटरनल एरर, तो इंटरनल कमांड। तो फिर क्या करेंगे, सर्च में जाएंगे, env सर्च करा, ये सेटिंग्स के अंदर जो आ रहा है एडिट दी सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इस पर क्लिक करा। देन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में गए, देन गए यहाँ नीचे में पाथ में, पाथ पे एडिट क्लिक, एडिट पे क्लिक किया, देन एक नया बनाया। उसके बाद इसमें ब्राउज पे गए, गए दिस PC में, देन इसी के अंदर हमने OS के अंदर ही बनाया था, इसमें मिन GW सेलेक्ट करा, इसके अंदर का बिन सेलेक्ट करा, ठीक है। तो या फिर ये डायरेक्टली तुम न्यू पे प्रेस करके लिख भी सकते थे C मिन GW/bin, ठीक है, सेम ही बात होती, बट मैंने दिखा दिया वो। देन ओके करना, देन ये भी ओके, देन उसके बाद देन अभी क्या करना कि इसको क्लोज करना और फिर रीस्टार्ट करना। तो फिर रीस्टार्ट करने के बाद वापस से सब लाइन खोला, देन इसको सेव किया, कंट्रोल ऑल्ट बी प्रेस किया, तो ये कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने के बाद तुमसे इनपुट मांग रहा है क्योंकि हमने एक नंबर इनपुट ली थी, तो मैंने इनपुट किया 4, एंटर मारा तो 5 प्रिंट हो गया। फिर इसी तरह से न्यू टेस्ट पे क्लिक करके 6 इनपुट दिया, 7 प्रिंट हो गया। अभी क्या होगा कुछ विंडोज़ यूज़र के साथ कि जब इसको वापस सेव करके कंट्रोल ऑल्ट बी से वापस इसको जब रन करते हैं तो ये टेस्ट केसेस यहाँ के डिसअपियर हो जाएंगे। जैसे देखो टेस्ट केसेस डिसअपियर हो गए, अभी हमने टेस्ट 0 डाला था बट फिर भी ये बता रहे हैं कि नहीं है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, वापस से कंट्रोल शिफ्ट पी दबाना, देन इसमें सेटिंग्स सर्च करना, तो फास्ट ओलंपिक कोडिंग सेटिंग्स आए, इस पे खोलना इसको। देन उसके बाद तो ये जो एल्गोरिथम स्पेस वाली लाइन है इसके नीचे एक नया लाइन हम क्रिएट करेंगे, इसका नाम होगा टेस्ट अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर सफिक्स। ये काफ़ी लोगों का लिखा हुआ रहेगा पहले से, जिनका लिखा हुआ है उनको वो इशू फेस ही नहीं करना पड़ेगा कि टेस्ट केसेस जो थे वो रिटेन नहीं हुए। तो जिनको इशू फेस करना पड़ रहा है वो लोग ये लाइन बस ऐड कर देना, और लास्ट में ये मतलब बेसिकली टेस्ट टेस्ट फाइल सफिक्स कोलन दे करके डबल अंडरस्कोर है ये, और फिर टेस्ट, ठीक है। फिर सेव कर दिया, सेव करने के बाद इसको क्लोज़ किया। देन अब जब रन करोगे तो अब जितने भी टेस्ट केसेस डालेंगे वो रिटेन्ड रहेंगे, तो ये काफ़ी काम आता है। और कैसे काम आता है ये वर्कशॉप में तुम्हें बताया जाएगा। तो ये देखो, तो ये सेव्ड है, अभी एंटर किया 6 7 आ गया, देन वापस इसको कंट्रोल एस करके कंट्रोल ऑल्ट बी करेंगे तो वो तीनों टेस्ट केसेस यहाँ पर होंगे, पहले से सारे आ गए और ये सबके वैल्यूज आ गए, मतलब आउटपुट आ गया। दिस वॉज इट।
मजे करो।